इन दिनों राजधानी रांची समेत तमाम जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है, लिहाजा पानी को लेकर के दुश्वारी सामने आने लगी है। इस वक्त हम मौजूद हैं धुरवा डैम के एक आखिरी छोर में, वहाँ की तस्वीर आपको दिखाना चाहते हैं और ये बताने की कोशिश हम कर रहे हैं कि यहाँ पानी की क्या स्थिति है, पानी का जो स्तर है, जो लेवल है, वो किस तरह से है। फिलहाल ये जो स्थानीय लोग हैं वो जो बता रहे हैं कि पानी दिनों दिन कम होता जा रहा है, जैसे जैसे ये गर्मी बढ़ रही है पानी का जो स्तर है वो कम होता जा रहा है। लेकिन इस क्षेत्र में, शुरुआती क्षेत्र के बनिस्बत इस आखिरी क्षेत्र में पानी की क्वालिटी बेहतर है, साफ सफाई है, नेचुरलिटी आपको यहाँ पर नजर आएगी। पूरा का पूरा जो इलाका आप देखेंगे पानी की चपेट में है, पानी के जद में है। तो ये तस्वीर देखकर आपको अंदाजा होगा कि धुरवा डैम का जो दायरा है, जो उसका हद और हदूद है, वो कितना बड़ा है। हालांकि कैचमेंट एरिया कम होने की वजह से पानी की जो मिकदार है वो कम हुई है। कुछ एक लोग हैं, स्थानीय लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। हमीद साहब हमारे साथ हैं, सिटीओ के रहने वाले हैं, फिलहाल मछली मार रहे हैं। दादा आप तो यहीं की पैदाइश है, अभी पहले कितनी पानी हुआ करती थी, अब कितना पानी है, कितना घटा है पानी का? पहले से ढेर कम हुआ है। पहले कहाँ तक पानी हुआ करता है बताइए जरा? जानवर है ना, वहाँ तक पानी था। अच्छा, वहाँ पर वो जो गाय नजर आ रही है, वहाँ तक पानी होती थी, और अभी तो बहुत कम हो गया है। बहुत कम है। अच्छा, ये पानी पीने लायक है, आप लोग पीते हैं इस पानी? काहे नहीं, साफ पानी है, नहाते धोते भी पीते भी हैं आदमी। मगर उस तरफ शुरुआत, उधर जो शुरुआती इलाका है उधर बहुत गंदगी है, आपने देखा होगा? नहीं, पानी गंदा यहाँ नहीं है, पानी ठीक है, साफ सुथरा है। और जब गर्मी बढ़ेगी तो और लेयर कम होगा, स्तर कम होगा पानी का? हाँ, पानी गर्मी बढ़ेगा तो और कम होगा। आप तो मछली मार रहे हैं, तो मछली पकड़ में आई है कि नहीं? नहीं, कुछ नहीं, नहीं। पूरे दिन ऐसे ही बैठा रहना पड़ेगा, का कीजिएगा, बैठे रहते हैं। कब से मछली मार रहे हैं? मारते हैं, कभी कभी आते हैं, कभी कभी एक आध को भूल चूक से, कोई गारंटी नहीं है। मछली है, कोई गारंटी नहीं है। तो ये लोकल से हमने बात की और ये बताने की कोशिश की कि पहले यहाँ की क्या देतन स्थिति थी और अभी क्या स्थिति चल रही है। जाहिर सी बात है, गर्मी जैसे जैसे बढ़ रही है और पानी का जो स्तर है वो कम होता जा रहा है। दूसरे छोर में भी हम आपको दिखाएंगे कि पानी किस कदर से ये ज़मीन से टकरा रही है। आपको यहाँ पर आने के बाद बेहद खुशनुमा महसूस होगा, लेकिन पानी की जब वास्तविकता का इल्म होगा, जो जानकारी होगी, उसको देख करके आपको कहीं ना कहीं हैरत पड़ेगी कि इस धुरवा डैम में किस तरह से कैचमेंट एरिया कम हो गया है, पानी का जलस्तर कम हो गया है, क्वालिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं। हालांकि लोकल्स जो बता रहे हैं कि इस क्षेत्र में पानी बेहतर है और हम लोग भी ये महसूस किए हैं कि पानी की क्वालिटी शुरुआती दौर से मुकाबले इस आखिरी छोर में बेहद अच्छी है पानी की, क्योंकि यहाँ पर लोगों का आना जाना कम है और लोगों का उस तरह से मिसयूज़ नहीं है, इस वजह से पर्यटक भी इस क्षेत्र में कम ही आते हैं, लिहाजा पानी की गुणवत्ता यहाँ फिलहाल बनी हुई है। तो एक बार फिर से हम तस्वीरों के माध्यम से भी आपको दिखाएंगे, ये पानी आपको देखकर अंदाज़ा होगा कि किस तरह से ये पानी जो है अभी अपनी जो क्वालिटी है वो मेंटेन की हुई है। और जाहिर सी बात है, झारखंड की जो पहचान और शिनाख्त है इन्हीं जल जंगल ज़मीन से है, लिहाजा उसे बनाकर रखने की बेहद ज़रूरत है। लेकिन न्यूज़ बाइस्को की टीम, इस वक्त हम धुरवा डैम इस वजह से पहुंचे हैं ताकि शहर के लोगों को जो पानी के लिए त्राहिमाम मची हुई है वो हम जान सकें और दिखा सकें कि धुरवा डैम में पानी की क्या स्थिति है, पानी की क्या हालत है और यहाँ से जो पानी सप्लाई हो रही है उसकी क्या स्थिति है। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि यहाँ से जो पानी सप्लाई घरों तक पहुँचती है वो रेगुलर बेसिस पर पहुँचे, राशनिंग की ज़रूरत ना पड़े। फिलहाल डैम में पानी पर्याप्त है ये माना जा सकता है, लेकिन क्वालिटी को लेकर सवाल उठ रहे हैं और गर्मी बढ़ने के साथ पानी कम होना लाजमी है। ऐसे में उम्मीद की जानी चाहिए कि जो लोग अपने घरों में पानी का इस्तेमाल करते हैं वो थोड़ा पानी का जो है बचाव करें, उसकी हिफाजत करें और पानी को कीमती समझें, बेशकीमती समझें। उम्मीद की जानी चाहिए कि हमारी बातें आप तक ज़रूर पहुँचेंगी। फिलहाल मुझे और मेरे सहयोगी विकास को दीजिए इजाज़त, नमस्कार।